डियर किड्स, जूनियर केजी क्लास के न्यूमरेसी स्किल में आज हम आगे का कंसेप्ट लर्न करने वाले हैं, वो है एल ओ एन जी लॉन्ग एंड एस एच ओ आर टी शॉर्ट। तो क्या होता है लॉन्ग एंड शॉर्ट का कंसेप्ट, यानी लंबा और छोटा। जो लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबा है उसे हम लॉन्ग कहेंगे और जो उससे छोटा है उसे हम शॉर्ट कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको नोटबुक में ये वर्ड लिखते हुए इसका स्पेलिंग आपको लर्न करना है, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ओके, इसके साथ ही साथ इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, जो दो पिक्चर्स हमें दिए हैं, यानी चार सेट है इसमें अलग अलग पिक्चर्स के, तो उसमें से दो दो पिक्चर को हमको कंपेयर करना है, यानी देखना है कि इसमें से कौन सा लंबा है और कौन सा छोटा है। एक बात ध्यान में रखिए कि लॉन्ग और शॉर्ट के कंसेप्ट में जो ये शॉर्ट वर्ड है वो दो मैथ के कंसेप्ट के साथ अटैच होता है, जैसे टॉल और शॉर्ट एंड लॉन्ग और शॉर्ट। इसके बारे में मैंने और एक वीडियो बनाई है, अगर आपको इस कंसेप्ट को डिटेल में लर्न करना है तो वो वीडियो भी देखना मत भूलिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, इस कंसेप्ट में लॉन्ग और शॉर्ट का जो कंसेप्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट से रिलेटेड होता है, और टॉल और शॉर्ट का कंसेप्ट जो होता है वो वर्टिकल एक्सटेंट से रिलेटेड होता है, यानी जो चीज़ें लाइन है, जो खड़ी नहीं हो सकती, वो जैसी चीज़ें हैं, जैसे रस्सी है, आपके सर के बाल है, उसकी लंबाई हम गिनेंगे, जैसे रास्ता है। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग है तो उसकी हम ऊंचाई नापेंगे, अगर कोई पेड़ है तो उसकी हम ऊंचाई नापेंगे। तो इस तरह से हमें इस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो पिक्चर दिया है वो क्या है, कौन बताएगा? यस, फॉर स्नेक। तो स्नेक देखिए, फर्स्ट वाला जो ग्रीन वाला स्नेक है उसकी लंबाई, उसके ऊपर पेंसिल रखिए और आपके हाथ से ड्रॉ कीजिए 1 2 3 4 5 कहते हुए, तो आपका पता चल जाएगा इसकी लेंथ कितनी है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए, इस स्नेक के ऊपर से जब हम पेंसिल को घुमाएंगे तो 12 नंबर तक हमने गिनती की है। तो अभी देखिए, इस स्नेक के ऊपर उसी कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कितने नंबर से हम गिन पाते हैं। जिसके ऊपर से हम ज़्यादा नंबर गिन पाएंगे वो उसकी लंबाई ज़्यादा है, ऐसा कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस स्नेक को तो हम सीधा नहीं कर सकते। तो देखिए, चलिए स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। तो देखिए, इस स्नेक के ऊपर से जब हमने पेंसिल घुमाई तो हमने 40 नंबर्स तक काउंट किए, और इसके ऊपर जब हमने पेंसिल घुमाई तो हमने खाली 12 नंबर काउंट किए। तो सबसे तो बोलिए, कौन सा नंबर ज़्यादा हो गया, बड़ा 12 या 40? डेफिनेटली 40 हो गया। तो कौन सा स्नेक लंबा है, ये वाला। देखिए, इसको अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश में ई का जो लेटर होता है उसके जैसे इसका शेप है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यम बनाते हुए उसके आगे भी निकल गया है। देखिए, तो सीधा सीधा समझ में आता है देखते ही पिक्चर को कि ये वाला स्नेक जो है लंबा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे भी बताया गया है, सर्कल द थिंग्स दैट आर शॉर्टर इन ईच सेट। तो ये लंबा है और ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो शॉर्ट है, जो छोटा है लंबाई में, उससे हमको सर्कल करना है। तो आप भी झट से पेंसिल उठाइए और ये जो छोटा वाला ग्रीन कलर का स्नेक है उससे आप सर्कल कर दीजिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, कौन बताएगा, विच लाइन इज दिस, इज इट अ स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन? कौन बताएगा, दिस इज अ स्लीपिंग लाइन। तो बताइए मुझे, यहाँ पे दो लाइंस दिए हुए हैं, इनमें से लंबी लाइन कौन सी है? तो इसे आप सीधा सीधा आपकी पेंसिल को उसके ऊपर रख के भी
नाप सकते हैं आप कि आपकी पेंसिल या आपकी उंगली रख के भी आप नाप सकते हैं कि कौन सी लाइन लंबी है और कौन सी लाइन छोटी है। तो देखिए, इसमें से देखते ही आप समझ जाएंगे कि ऊपर वाली लाइन जो है वो लंबी है और नीचे वाली लाइन जो है वो छोटी है। उसके नीचे कौन सा पिक्चर, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, आपकी पेंसिल उठाइए और ये जो नीचे वाली लाइन है उसे SHORT शॉर्ट यानी छोटा बोलते हुए सर्कल कर दीजिए। उसके नीचे कौन सा पिक्चर है देखिए, उसके नीचे नीचे जो दिया है वो है रूलर। तो कौन से कलर की रूलर है, येलो। तो येलो कलर के जो दोनों रूलर्स हैं उसमें से सबसे लंबी और सबसे छोटी कौन सी है, ये लाइंस और ये दोनों रूलर्स दोनों भी सेम ही है, देखिए ऊपर वाली लंबी है और नीचे वाली छोटी है। तो हमें भी क्या करना है, यहाँ पे पेंसिल को उठाइए और जो कौन से वाले कौन सी वाली रूलर को हमें सर्कल करना है, यहाँ पे शॉर्टर वाली, तो नीचे वाली जो दी गई है उसे यहाँ पे हम सर्कल कर देंगे। उसके नीचे देखिए क्या है, रिबन। तो यहाँ पे वायलेट या पिंक, वायलेट मिक्स पिंक कलर की जो रिबन दी गई है, तो देखिए उसमें से लंबी रिबन कौन सी है, ये वाली या ये वाली। ये वाली तो हमें दिखती ही छोटी है और ये वाली उससे ज़्यादा लंबी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे भी पेंसिल को उठा के जो छोटी वाली रिबन है, शॉर्ट वाली रिबन है, उसे सर्कल करना है। तो झट से इसे भी हम सर्कल कर देंगे। और इसके साथ ही आप बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज़ जो पेरेंट्स है या टीचर्स है वो दे सकते हैं, जैसे अलग अलग चीज़ें दे के, जैसे धागा है, उलन का थ्रेड है, या फिर घर में जो बनी हुई चीज़ें हैं, रस्सी है, वो दो अलग अलग शेप में दे के भी आप बच्चों को लॉन्ग और शॉर्ट का कंसेप्ट अच्छे से ग्रास्प करा सकते हैं। या फिर क्लास में दो बच्चों को खड़े करके उनके जो बालों की लंबाई है, किसी की चोटी है, किसी की पोनी है या किसी की कट है, तो उनके बालों का कंपैरिजन करके, हाथों की उंगलियों का भी कंपैरिजन करके लंबाई या उनकी शॉर्टनेस को आप बच्चों को समझा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट आपको करना है। और साथ ही साथ कंसेप्ट ख़त्म, एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से ये वर्ड प्रोनाउंस करने हैं, जैसे SHORT शॉर्ट, LONG लॉन्ग, और इसके साथ ही आप ऐसा भी बोल सकते हैं, शॉर्ट स्नेक लॉन्ग स्नेक, लॉन्ग लाइन शॉर्ट लाइन, लॉन्ग रूलर, शॉर्ट रिबिन लॉन्ग रिबिन, और इसके साथ ही आप ऐसा भी बोल सकते हैं, शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग शॉर्ट, शॉर्ट लॉन्ग। और साथ ही साथ ये कंसेप्ट करते हुए आप सर्कल करते वक्त ऐसे भी बोल सकते हैं, SHORT शॉर्ट स्नेक, SHORT शॉर्ट स्लीपिंग लाइन, SHORT शॉर्ट रूलर, SHORT शॉर्ट पिंक रिबिन। ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक एक्टिविटी मैं दूंगी, आपके पेज पे नोटबुक पे एक लाइन खींच के दूंगी मैं, और आपको उस लाइन से एक लंबी लाइन खींचना है और उस लाइन से एक छोटी लाइन खींचना है। मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, ड्रॉ अ लाइन लॉन्गर दैन द गिवन लाइन एंड ड्रॉ अ लाइन शॉर्टर दैन द गिवन लाइन। ओके, तो आपके होमवर्क में जो एक्टिविटी दी होगी उसे भी आपको कंप्लीट करना है। और अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इसके लिए मैं आपके लिए एक और अलग वीडियो बना के लाऊंगी। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून, थैंक यू।